पहला क्वेश्चन आपका जो है, एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर दूरी तय करती है, तो कार्य का मान क्या होगा? यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको कार्य का फार्मूला पता होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है F इंटू डी। F जो होता है लगाया गया बल, और D आपकी दूरी होगी। तो बल यहाँ पर लग रहा है 50 न्यूटन, और कितनी दूरी तय कर रहा है? 15 मीटर। तो आप यहाँ पर 50 को 15 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 750 जूल। 750 जूल जो है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? डायनामिक एनर्जी। डायनामिक एनर्जी का सूत्र जो होगा, हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, और एम वी स्क्वायर अपॉन 2g भी होता है। एम क्या है? द्रव्यमान है, और वी आपका वेग है, और जी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे, दोनों फार्मूले जो हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला है बल, दूसरा है चालकता, ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऊर्जा। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सरलतम परमाणु किस तत्व का होता है? तो इसको आप याद रखिएगा, सरलतम परमाणु जो होता है हाइड्रोजन का होता है। सरलतम परमाणु हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नीचे जितने भी ऑप्शन हैं, ये आपके गलत ऑप्शन हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव आवेश होता है, और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, 1.6×10^19 C। C मतलब कूलाम हो गया, तो इसलिए प्रोटॉन पे जो आवेश होगा, 1.6×10^19 C। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और इसके आगे का मान भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1.6 के आगे पूरा मान क्या होता है। तो यहाँ पर पूरा मान होता है 1.602, ये आपका इसका पूरा मान होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहना क्या कहलाता है? ऑप्शन नीचे चार दिए गए हैं, AC, DC, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, सबको ही पता होगा, अगर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है, तो वहां पर AC करंट होगा। कौन सा होगा? AC, अल्टरनेटिव करंट। DC जो होता है डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। AC जो होगा वो आपका इस तरह से चलेगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। प्रतिबाधा मतलब क्या होता है? कि चालक में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका विरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चालकता, प्रवेश्यता, प्रतिरोध और उष्मियता। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। कौन घूमता है? ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अणु। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉन। धनात्मक कक्ष के चारों ओर जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि इसका जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए यह धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था प्रोटॉन का आवेश पूछा गया था, तो जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। अंतर केवल इतना है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही ऑप्शन जो है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होता है। ऑप्शन इसके चार आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। दूसरा ऑप्शन है दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर है, दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध का अंतर है, या फिर उपरोक्त सभी। तो विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है कापर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, कापर अणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 29। कितनी होती है? 29। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है स्पाइरल वाउंड कुंडली से जब करंट बहता है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करेगा। पहला ऑप्शन है हीटिंग प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, थर्मल प्रभाव। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऊपर जो कहा गया है स्पाइरल वाउंड कुंडली, स्पाइरल वाउंड कुंडली से अगर जब करंट बहेगा तो वहां पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है एल्यूमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 13, 18, 29, 43। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 13। एल्युमिनियम अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत मात्रा क्यू को निकालने में प्रयुक्त सूत्र है। विद्युत मात्रा क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है क्यू बराबर धारा गुणे समय। विद्युत मात्रा क्यू को निकालने में प्रयुक्त सूत्र जो होगा क्यू बराबर धारा गुणे समय। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इसका सही फॉर्मूला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। चार ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6.241×10¹², 6.24×10¹⁴, 6.24×10¹⁙, 6.24×10¹⁸। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है 6.24×10¹⁸ सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है विभवांतर मापन होता है, मतलब विभवांतर किससे मापा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमीटर द्वारा, ओम मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, या फिर वाट मीटर द्वारा। तो इसका सही जवाब जो है विभवांतर आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एमीटर से आपकी धारा मापी जाती है, ओम मीटर से आपका प्रतिरोध मापा जाता है, और वाट मीटर से जो आपका है किसी परिपथ में किसी समय जितनी विद्युत शक्ति व्यय हो रही है उसे मापने वाला उपकरण जो होता है वाट मापी कहलाता है, या वाट मीटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है
जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। पहला है चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, विद्युत स्थैतिक प्रभाव। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा तापीय प्रभाव। कौन सा? तापीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? चार ऑप्शन आपके हैं, चुंबकीय, तापीय, रासायनिक, प्रकाशीय। तो इसका जो सही आंसर होगा रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। कौन सा? रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अगर कोई करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा तो वहाँ पर रासायनिक प्रभाव होगा। इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज के मान ज्ञात हों? करंट यानी कि I का मान आपको पता है, वोल्टेज यानी कि V का मान आपको पता है, तो शक्ति आप कैसे मापेंगे? तो उसके लिए आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, V गुड़े I, V स्क्वायर अपान I, V स्क्वायर इंटू I, V इंटू I स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका V इंटू I हो जाएगा। V इंटू I पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि P बराबर V इंटू I होता है। और इसके साथ साथ P के जितने भी फार्मूले हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। P पावर होता है शक्ति। अगर शक्ति की बात की जाएगी केवल, तो शक्ति बराबर यानी कि P बराबर होता है कार्य बटे समय, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, यानी कि एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी विद्युतीय कार्य या विद्युतीय शक्ति की बात की जा रही है, तो विद्युतीय कार्य में कार्य बराबर आपको पता ही होता है बल गुणे विस्थापन होता है। अगर विद्युतीय कार्य की बात की जाएगी तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गुणे धारा गुणे समय हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको पहले से वोल्टेज पता होता है कि वोल्टेज का मान ज्ञात है और करंट ज्ञात है, तो P बराबर जो हो जाएगा वोल्ट गुणे एम्पियर। फिर और इसके अलावा अगर विद्युतीय शक्ति की बात करेंगे तो विद्युतीय शक्ति P बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो P के जितने भी फार्मूले हैं इसको आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था थोड़ा, इसलिए इसको मैंने डिटेल में समझा दिया है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है, चालकता का विपरीत पद क्या है? चालकता का विपरीत पद क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक, प्रतिरोध और रिलक्टेंस। अब यहाँ पर बात की जा रही है चालकता की, तो चालकता का विपरीत पद पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ए जो आपका है प्रतिरोधकता सही हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई है? चार ऑप्शन आपके हैं, एम्पियर, वोल्ट, वाट घंटा और कूलाम। इसके पहले भी शायद हमने इस क्वेश्चन की चर्चा की हुई है। तो विद्युत की मात्रा की अगर एसआई इकाई पूछेगा तो उस वहां पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है कूलाम आपका सही हो जाएगा। विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई जो होगी वो होगी कूलाम। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में, जो आज का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। आज का क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु पर 30 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर दूरी तय करती है, तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, कार्य का फार्मूला हमने पहले बताया हुआ है आपको, आपको बल पता हुआ है कितना बल लग रहा है और दूरी पता है 15 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो आप फार्मूला को यूज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 300 जूल, 450 जूल, 500 जूल और 3.00 जूल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सही आंसर